तो मेरे चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है रात से। मेरे पति देव जी आ चुके हैं, अपने काम धंधा निपटा के आ चुके हैं। और ये रही मेरी बछड़ी जो कि पापा के पास है ना, पापा हैंडल कर रहे हैं। मैचिंग अब हो जाता है, किसी ना किसी का मैचिंग हो जाता है। अब मैं भी अपनी रेड नाइटी पहन रही थी तो मेरा भी मैचिंग हो जाता, लेकिन मैंने फिर से अपने पति देव का टी शर्ट डाल लिया अपने ऊपर। अच्छा कंफर्टेबल रहता तो मैंने वो कर लिया। और मेरे पति देव बोल रहे हैं कि तुम धीरे धीरे, मेरा ऐसा तो नहीं कि हड़पने जा रही हो, मतलब हड़पती कहीं हड़पती ना जाओ, हड़प लो धीरे धीरे मेरा टी शर्ट, बताइए पहन लूँ क्या पहन लूँ, पहले पहन ही रह गई। या पहनते पहनते बोल दी कि एक दिन बोल दी कि मेरा ही मेरे को ही दे दो, है ना, कुछ भी हो सकता है ना डार्लिंग। क्या बोलना चाहेंगे इसमें? इसमें यही बोलना चाहिए कि दोस्तों मेरे पास टी शर्ट की कमी हो गई है, तो आप अपना शॉपिंग जल्दी से कर ले ताकि मैं अपना टी शर्ट पहन सकूं। और दोस्तों बताऊं बिल्कुल भी क्या कहते हैं, नहीं पता, बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। और क्या कहते हैं, बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि ब्लॉगिंग करना है मुझे, क्योंकि मैं बच्चे पे इतना बिजी थी। ये भी निकल गया, जल्दी निकल जाते हैं। और वही बच्चे में इतना बिजी थी, और दोस्तों अब वो खाना खाने लग गई है, अब उसका डाइट चार्ट रेडी हो चुका है, तो मुझे अब टाइम टू टाइम अब उसको इस टाइम दूध पिलाना है, फिर उसको बचे हुए टाइम में उसको पटाटो मैश पटाटो देना है, उसको फ्रूट्स देना है, फ्रूट्स भी अलग अलग कर करके देना है, ब्रोकली देना है, गाजर देना है, और फिर टाइम आने पे फिर मुझे दूध और चावल को मिक्स करके खिलाना है, फिर हाँ वही दाल चावल खिलाना है। चाय अलग अलग, दाल चावल अलग से और दूध चावल अलग से। हाँ तो वही तो बोला है ना मैंने। क्या बोला? कट कर दिया इसलिए मुझे लगा। अच्छा नहीं वो दूध चावल, जैसे दूध चावल भी देती हूँ, फिर बीच में फ्रूट चल रहा है उसका, ये आइटम चल रहा है, फिर उसका दाल चावल में आते हैं। कभी कभी मैं दाल चावल भी अलग से बनाती हूँ, दाल अलग बनाती हूँ, चावल अलग बनाती हूँ, मिक्स करके उसको देती हूँ। कभी कभी क्या होता है साथ में खिचड़ी जैसे बना देती हूँ तो वो दे देती हूँ। फिर उसका फिर धीरे धीरे टाइम आता है कि फिर बीच में ये देना है वो देना है, फिर उसका दूध का टाइम आ रहा। तो दोस्तों इसको ही मेंटेन करने में कब मुझे, मेरा सुबह से शाम हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और इसमें क्या हुआ, मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे फुटेज बनाना है, ब्लॉग करना है, ये वो मुझे बाद में ध्यान आया जब तक शाम हो चुकी थी। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, सीधे जब मेरे पतिदेव जी आएंगे तभी मैं उनके साथ ब्लॉगिंग में आऊँगी। और बता दूँ दोस्तों कल है करवा चौथ, तो कल की क्या तैयारी है डार्लिंग, कुछ है कि नहीं? नहीं तैयारी है, बिल्कुल है, कल की तैयारी कल दिखेगी आपको, जैसी भी तैयारी होगी वो दिखेगी। करवा चौथ है, स्पेशल डे है, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होगी। हाँ तैयारी तो है, तो कुछ मेरे लिए गिफ्ट है कि नहीं है? अब ये अभी बता दे हम तुमको, यानी कि है कुछ गिफ्ट, है ना, वो समय आएगा तब पता चलेगा। यानी दोस्तों है कुछ गिफ्ट, बोल दिए समय आने में पता चलेगा, वो मैं क्यों बताऊँ या वो बाद में बताता हूँ, ये ऐसा आंसर मिले तो यानी कुछ तो है, तो चलो मजा आएगा। यानी अब मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है वो करवा चौथ का, यानी कुछ मिलेगा मुझे। करवा चौथ मिलता ही है आप? हाँ मिलता तो है, तो देखते हैं। खरीदा 10 रुपए का बच्चे को पहना दीजिएगा, वो आप अब मेरे लिए भी वो ऐसे ही चीज लीजिए, सोच के खरीदे कि तुमको देंगे तुम बच्चे को दे दो। हाँ वही तो, अब मेरे लिए भी वैसे चीज लीजिए ताकि मैं वो करके बच्चे को ही दे दूँ अपने। अब हर चीज तो बच्चे से ही रिलेटेड हो गया। और दोस्तों हाँ मैं बता दूँ दोस्तों कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारी बच्ची है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। क्या है कि अब ये नहीं रहते हैं ना, तो जैसे मैं काम में इन्वॉल्व रहती हूँ तो मिल्की को संभालना बहुत टफ है, क्योंकि अब वो चलने लगी क्या बोलते हैं उसको, रेंगने लग गई है, रोल करने लग गई, रोलिंग खूब करने लग गई है ना, और अपने टांग को उठा लेती है वो, इतना पूरा अब उठा लेती है दोस्तों, अब इतनी कैपेसिटी में आ गई, चीज को पकड़ के खड़ी हो जाती है, मतलब पूरा सारी चीजें अब आ गई है, मतलब झूले में नहीं रख सकती, झूले में खड़ी हो जाती है, इतना बड़ा बड़ा बंकर रेडी करके देती है उसमें आ जाती है। तुम पकड़ती सर काट लेती हो? किसका? तुम अपना? मेरा? हाँ खुद का सर काट रहा। तो अभी अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम लोग अगर पिलो का मंजिल भी बंकर भी बना देते हैं, उसके अंदर डाल देते तो उस बंकर को पार करके वो चली जाती है। हाँ तो सब कोई अब फायदा नहीं, किसी चीज़ कोई फायदा नहीं, तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग को सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको ही देखना पड़ता है। ऐसा अभी जब तक न्यू बॉर्न थी ऐसा था कि दूध पीती थी, सो जाती थी मस्त, और हिल नहीं पाती थी अगर हम लोगों ने चारों तरफ से पिलो डाल दिया तो। लेकिन अब ऐसा हो गया कि पिलो विलो सब गया, सब कुछ गया, अब इसलिए बेड का बहुत जरूरत है। बेड के लिए हम लोग अब देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग को ढंग का दिखेगा इस घर में आ जाएगा हमारा नन्हा छोटा सा बेड। जल्द से जल्द चाहती हूँ दोस्तों, वैसे मॉल में पसंद आया था वाले एक दूसरे, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड क्वालिटी थी, मतलब ओल्ड फैशन क्वालिटी नहीं, फैशन था, तो वो पसंद भी आ गया था, रेंज भी सही था, लेकिन वो ओल्ड फैशन में था। आजकल दो ही पीस थे, दो ही दोनों में से लो चाहे ये लो चाहे वो, दूसरा पीस काफी बड़ा था जो, और दूसरा था दोस्तों एक देखा हुआ अपने लकड़ी का था, तो वो बस लकड़ी का बस बेड था उसमें, ठीक है ना,
और जो दूसरा था तो वो चलो अभी अभी जो अभी चल रहा है मॉडर्न पैटर्न वाला वो तो था, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप कह जाए कि सिंगल बेड नहीं होता अपन का ऐसे उतना बड़ा था, उतना बड़ा नहीं चाहिए ना यार, अब हम ऑलरेडी इतना जगह नहीं है हमारे पास, और वैसे भी बेड इतने छोटे भी नहीं होते हैं, नॉर्मल साइज होते, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था जिसमें वो नहीं लेना था, तो कोशिश में लगे हैं जल्द से जल्द हम लोग मतलब बहुत जगह व्यवस्था लगा लिए, बहुत जगह ढूंढ लिए हैं और कुछ कुछ जगह पसंद भी आए हैं, जैसे ही हम लोग फाइनल कर लेंगे वो आ जाएगा हमारे घर पे। और इसके लिए बेड इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, मेन बात ये बताना था हमको कि मतलब बंकर के अंदर डालते हैं ना, और 2 सेकंड के लिए अगर मैं हैंड वॉश करने भी जाऊँ तो ये इसका पेट बंकर के ऊपर लटका रहता है, मतलब ये 1 सेकंड में, जैसे दूध के साथ आपने देखा होगा कहानी कि दूध आप नज़र डाले रहो तब तक वो नहीं फेंकेगी, और जैसे ही नज़र हटाओगे दूध उबल जाएगा, यही वाला हाल है। ये भी वही घर का वही दूध है, क्योंकि जब तक नज़र गड़ा रहोगे तो नहीं उबलेगी। अभी कितना आराम से सो रही थी और हम लोग 2 मिनट के लिए वहाँ चले जाए, इसलिए ये काम करती है तो मैं बेड पे, मैं काम करता हूँ तो ये बेड पे, और हम लोग ने एक प्लानिंग भी किया कि मैं जब तक नहीं रहता हूँ तब तक ये कंटिन्यूस ओनली एंड ओनली मिल्की का केयर करना है और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों जैसे ही आए तो फटाफट काम पे लग गई, क्या कहते हैं फटाफट में बच्चे का कपड़ा धोना था, इनका कपड़ा, हम दोनों का जो मिक्सअप कपड़े थे वो सब धोना था, वो सब धो लिया, बर्तन मैंने धो लिया, अब फिर मन है, अब इसका दूध पीने का टाइम आ गया, दूध और चावल का टाइम हो गया, अभी मैं जाती हूँ दूध चावल बनाती हूँ जानो। हाँ, और वो बताइयो कि नहीं बताइयो, हम लोग दोस्तों दूध जो बनाते हैं ना वो इसके फॉर्मूला मिल्क से ही हम लोग दूध चावल बनाते हैं, काउ मिल्क या बफेलो मिल्क ये सब अभी नहीं, बिल्कुल देना मना किया है और देना भी नहीं चाहिए, ये हमें पता था पहले से और डॉक्टर ने भी हमें बोल दिया, तो और उसमें होता ना कि हाँ आपको डॉक्टर ने भी बोल दिया कि बिल्कुल नहीं देना है, तो अभी साल भर तो इसको दूध के बारे में सोचना ही नहीं है, बस फॉर्मूला मिल्क के साथ ही हम लोग इसको दूध चावल बना के देते हैं। तो हाँ बोलिए जी, मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, और कई लोग ये भी गलतफहमी, तो डॉक्टर ने ये भी हम लोग को क्लियर कर दिया, कई लोग क्या करते हैं गाय का दूध तो सब जानते हैं कि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, तो उसमें पानी मिला के देते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि पानी मिला के अब दोगे ना तो वो किसी काम उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाता, तो वो किसी का वैल्यू के बराबर होता नहीं है वो। हाँ, तो हम लोग 6 महीना जब इसका हुआ था ना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिलाने गए थे, तो उसके साथ हमारा मकसद भी ये था कि अब आने वाले समय में क्या किया जाए, पता तो हमने कर लिया था सब कुछ, लेकिन डॉक्टर और गूगल दोनों में बहुत फ़र्क होता, जो हमें नॉलेज था ये सब मिला के, लेकिन डॉक्टर ने हमारे सारे कहानी को क्लियर कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे का डाइट चल रहा, सारे फ्रूट्स जो उन्होंने बोला कि आप ज़बरदस्ती का फ्रूट्स मत ढूंढो, मार्केट में अवेलेबल फ्रूट्स खिलाओ जो अभी सीजनल फ्रूट, ऐसा नहीं कि ये नहीं मिल रहा फिर भी खिलाना है लेकर, नहीं, सीजनल फ्रूट्स खिलाइए, जैसे जैसे सीजन आएगा, अभी हरी सब्जी का सीजन आ रहा है उसको बॉयल करके खिलाना है, उसको मिक्स करके खिलाना है, जो सीजनल चल रहा है सब कुछ खिलाइए, तो हम लोग अभी सीजन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी सीजन में जो फ्रूट्स चल रहे हैं सारे फ्रूट्स घर में अवेलेबल है, केला ऑरेंज एप्पल अभी सारे फ्रूट्स खा रही है, लकीली खा भी रही है, और जैसे वेजिटेबल्स में भी इसको भी ब्रोकली गाजर मैश पोटैटो और क्या दे रहे हैं, ब्रोकली गाजर मैश पोटैटो और क्या दे रहे हैं, हाँ अभी यही दे रहे हैं, जैसे कि टमाटर की प्योरी वगैरह ये सब भी बना बना के देना है, हाँ। सब दे रहे हैं अभी और ये अच्छे से अभी खा रही है, तो चलो हाँ। ये अच्छी चीजें हैं, और डॉक्टर ने मसाला और क्या कहते हैं मसाला और क्या बोलते हैं नमक अवॉइड करने के लिए बोला है ना, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत रेयरली अगर आप एक चुटकी भर नमक डाल देते हैं, वो भी डॉक्टर ने बस बोल दिया कि अगर ऐसा होता है तो, लेकिन आप अभी अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, और नेक्स्ट मुलाकात डॉक्टर को फिर इन्फ्लुएंजा का सेकेंड शॉट देने जाएंगे तो फिर और डॉक्टर बता कि आगे क्या एक्सटेंड करना, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट महीने फिर आगे, तो धीरे धीरे पर मंथ उसका चीज़ें बदलती जाएगी, चीज़ें होती जाएगी, हमको नॉलेज आएगा आपको बताते जाएंगे, तो जाने फटाक से बनाइए आप चाय, मेरा हैंड करा, ये कैमरा इतना भारी है, हाँ भारी है दोस्तों, इसको फटाक से दूध बनाती हूँ, बगल में चाय एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों मैं पति को खाना है चिकन बिरयानी, फिर तैयारी में करूंगी, फिर मिलते हैं बाद में, चलो 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 चलो। हे दोस्तों, तो ये बन चुका है मेरे मिल्की का दूध और चावल का मिक्सचर है ये, जिसको सेरोलैक्स बोलते हैं लोग, सेरोलैक्स बना मतलब कि रेडीमेड खिलाते हैं दोस्तों, ये हमारा घर का सेरोलैक्स है ना, लीजिए मेरा बेटा इधर आ जाइए आप, मेरी प्याली गुलिया, गुलिया लानी बली सयानी करती है अपनी मनमानी, यम्मी 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 खाना, गलत लगा, ये छोटा वाला है उसको ना, हाँ से ये ऐसे कर मत रखिएगा, लुड़का कैसे रखिएगा ना उस पिलो को, हाँ ऐसे करके, हाँ हमको भी आता है करने आजा मेरा बेटा, वेरी, इसका टेक्निक नहीं बताई तुम, टेक्निक, हाँ ये खिलाने का, हाँ दोस्तों टेक्निक बता दूँ दोस्तों, तो ये बॉटल दूध वाले बॉटल में खिलाती हूँ, क्योंकि इसका जो है ऊपर का निप्पल का जो वो है
थोड़ा सा हम लोगों ने केचे से कट कर दिया हुआ है ना, हाँ, थोड़ा ताकि सा कट कर, निकल सके है ना, हाँ, क्योंकि ये डार्क हो जाता है ना चावल के साथ ही, मैं वो कहते तो वो प्योरी गाढ़ी गाढ़ी होती है। और ऐसे खिलाते थे ना तो थोड़ी देर में थक जाती थी, खाना छोड़ देती थी। बच्चे चम्मच से खाते नहीं, कटोरे चम्मच से खाते नहीं, फेंकते। इससे क्या है कि मैं दूध भी इसे बॉटल में देती हूँ, जिस कारण दूध भी अच्छे से पी पाती है ना। धीरे 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 ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे जैसे बड़ी होगी, लेकिन अभी तो बेस्ट ऑप्शन है भाई। हे दोस्तों, तो मिल्की का ये हो गया है डूडू पीना, और मेरे डार्लिंग, हाँ, और चाय कहाँ है मेरे डार्लिंग की, चाय कहाँ है, ये है चाय, और ये है दोस्तों मेरी चाय। तो हम दोनों कर रहे हैं चाय एंजॉय। उसके बाद दोस्तों मैं जाऊँगी बिरयानी बनाने। चिकन मैंने निकाल के रख दिया, फ्रिज में था तो निकाल के रख दिया था। क्या होता है जब फ्रिज में चीज़ें रहती है ना, तो मेरे पापा ने मेरे हम लोग को बताया कि फ्रिज से निकाल के थोड़ा आप रख दो तो रूम टेम्परेचर में आ जाता है। तो निकाल के रख दिया, जब चाय एंजॉय करेंगे फिर उसके बाद मैं जाऊँगी इनकी चिकन बिरयानी बनाऊँगी, फिर मिलेंगे हम बाद में। हे दोस्तों, तो देख सकते हैं हम लोग की बिरयानी रेडी हो चुकी है, बगल में कुकर रखा है, और हम लोग मजे से करेंगे बिरयानी पार्टी, है ना। गजब यार, देख के तो मज़ेदार लग रहा है। टेस्ट करके बताइए जरा, बताते हैं ना। पीस पीस और मुँह से पानी टपक रहा है। सॉस तो नहीं बनाना चाहिए था ना, दही का सॉस या कुछ चटनी जैसा कुछ, ऐसा तो नहीं खाना। नहीं नहीं, रहने दो, बताइए कैसा है, गौर फरमाइए। क्या पापा क्या चाव से खा रहा है, आप देख रही थी डार्लिंग कि क्या मेरा बाप क्या खा रहा है, लालच खा रही है ये बैग में बैठ के। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, बहुत ओरिजिनल बिरयानी टेस्ट है। इसमें गरम मसाला का फ्लेवर और घी, घर का घी, घर का घी, घर का घी होता है ना, इसका फ्लेवर टूप टूप के आ रहा है गाय के घी, इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, मैं तो पूरा खत्म करने वाला हूँ। देख सकते दोस्तों, इतना सारा बिरयानी है इसमें भी निकला हुआ है, पूरा फिनिश करने वाले हम तो आज। हे दोस्तों, तो हम लोग की बिरयानी बन चुकी है, मेरे पति देव भी वो करना शुरू कर दिया, और ये मेरी मिल्की लालच खा रही है बेचारी। मैं बता दोस्तों, सो चुकी थी, सो के अब उठ गई, अब हम लोग के खाने की बारी है ना तो उठ जाती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। और लेट भी काफ़ी हो चुका है, हम लोग कई काम वाम करना है, खा के कुछ कुछ काम निपटा के फिर हम लोग सोएंगे, फिर जल्दी उठना भी है हम लोग को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हम लोग के ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।